नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं। हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं पटना, और पटना के कालिदास रंगालय है, यहाँ वोट चल रहा है। आइए कुछ लोग जो पुर्जी बनाते हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्या माहौल है, क्या परसेंटेज है। ये भाई लोग बैठे हुए हैं। जी भाई जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुजल कुमार। सुजल कुमार, किसके लिए काम कर रहे हैं? जी हम लोग कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। हम लोग कांग्रेस के लिए। कैसा वोटिंग हो रहा है? वोटिंग बहुत धीमा है इस बार, परसेंटेज बहुत धीमा जा रहा है इस बार। नीत तो कोरोना इफेक्ट है इसी कारण। कोरोना इफेक्ट मतलब बहुत स्लो मतदान चल रहा है। जी भाई जी, आपका परिचय? मेरा नाम राहुल केसरी है। राहुल जी, आप किसके लिए कर रहे हैं? कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। कैसा चल रहा है वोटिंग? बहुत धीरे ही जा रहा है। धीरे चल रहा है। आप भी कांग्रेस से हैं? हाँ। तो चलिए, मतलब कई भी कई बार होता था कि कांग्रेस को लोग दिखते नहीं थे, आप एक जगह पर तीन तीन लोग कांग्रेस के बैठे हुए हैं। जी आपका परिचय? दीपक कुमार। आप क्या कर रहे हैं? हम पुष्पप्रिया से कर रहे हैं। तो कहाँ कैसा वोट जा रहा है पुष्पम जी का? अभी तो वोट बहुत कम जा रहा है, मतलब पूरा वोट परसेंटेज ही कम। परसेंटेज है अभी 50% के आसपास में गया है। अभी चार बजने वाला, चार से ज्यादा ही हो गया है। 50% अभी तक गिरा है। 50% गिरा है। आइए, एक भाई इधर भी बैठे हुए हैं, भूजा खा रहे हैं। जी भाई जी, आपका परिचय? आलोक कुमार हुआ। आलोक जी, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग तो भाई बीजेपी के लिए हैं। बीजेपी। कैसा वोट कैसा जा रहा है? वोट तो स्लो है सर। स्लो है। हालांकि ये जो पटना का ये क्षेत्र है, ये बाकीपुर विधानसभा है, यहाँ मतलब कहा जाता है कि बीजेपी का सीट कन्फर्म रहता है। क्या उस हिसाब से वोट पड़ रहा? मिला जुला के सही है सर। अच्छा, पूरे बिहार में अभी कह रहा है कि एक लहर चल रहा है, क्या वो लहर दिख रहा है इस पर? कह सकते हैं, बहुत टफ है अभी। टफ है, कहना मुश्किल है। बड़का भैया, क्या वोट ठीक है? वो ठीक ठाक है, लेकिन जिस स्पीड से पढ़ना चाहिए वो लोग कह रहे हैं कि परसेंट तो आदमी जिसे धीरे धीरे तब जान रहा है कि यहाँ पर ही बूथ पर ज्यादा वोटर नहीं। अच्छा, वोटर कम है। अच्छा, वोट का जिस तरह से भीड़ रहता है उतना नहीं, थोड़ा कम चल रहा है। 60% ठीक है, लेकिन 50-60 हो गया। 50-60 हो गया है, इतना ही यहाँ। चलिए जरा उधर देखते हैं, कुछ लफड़ा चल रहा है, जरा देख ले उधर भी। ये नजारा है कालिदास रंगालय के इस बूथ पर, जहां आपसी विवाद को लेकर के वोट देने आए लोग आपस में झगड़ रहे हैं। प्रशासन के साथ ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हो सकता है यहाँ शूट करना अलाउड नहीं है, लेकिन जो काम का चीज था हमारे पास आ गया है। अगर ये प्रशासन के लोग, बीएसएफ के जवान अगर नहीं होते तो बात और आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ये प्रशासन के लोग, बीएसएफ के साथियों ने समझा बुझा करके इन्हें आगे बढ़ा दिया है। और मतदान की प्रक्रिया सामान्य रूप से धीरे धीरे चल रही है। जिस परसेंटेज का लोग सोच रहे थे कि पटना में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है लगभग 3.5 के आसपास हो रहा है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। अब हम सब इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का, क्या रिजल्ट होता है, किसकी होती है सरकार। धन्यवाद, देखते रहे देसी पत्रकार मनीष मेहवाल।